नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दारा आविष्कार थोपी में, और मैं हूं राहुल। तो ये आपके सामने जो है अभी ये इस गाड़ी के अंदर जो है LCD फिट करेंगे, एंड्रॉयड वाली जो है। ये हमने इसका पहले वाला प्लेयर जो निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको निकाल देंगे। इसके पीछे कपलर होता है जो, उसको निकाल दिया है। ये देख सकते हैं आप, सारी एंटीना का सारा कुछ इसके अंदर से निकाल दिया, एंटीना की पिन वगैरह। ये एंटीना का पिन है, और ये इसको ऐसे पेचकस की मदद से ऐसे निकाल लेंगे आराम से। ये देख सकते हैं आप, निकल के कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा ये। अब जो है उसके बाद हम ये इस तरह का LCD है, उसके साथ फ्रेम आता है LCD के, वो कार के हिसाब से आता है। आप किसी भी कार का परचेज़ कर सकते हैं। तो उसको ऐसे नट लगा देंगे, उसके चार नट लगते हैं साइड में, ये इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, नट लगा देंगे सारे चारों के चार उसके। और उसके बाद जो है नट लगाने के बाद इसकी वायरिंग करेंगे सारी। ये इसका GPS का सिस्टम है सारा, ये इस तरह से दिखेगा कुछ फिर फ्रेम में फिट होने के बाद। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग आएगी इसकी, बढ़िया फिटिंग आएगी फ्रेम के अंदर। और उसके बाद ये है इसका मेन कपलर, जो कि जिससे सप्लाई लेगा। इसमें इसकी सारी वायर्स होती हैं, और ये अंदर से एक वायर निकाल ली है जो मेन वायर है। ये सभी गाड़ियों में अलग अलग आती है, सभी गाड़ियों का अलग अलग कपलर आता है। ये जो है ये एंटीना की वायर है, अब ये एंटीना की वायर को जोड़ देंगे कुछ इस तरह से, जोड़ देंगे इसको। ये जो है एंटीना की वायर फिट हो चुकी है, और ये इस तरह से, ये देख सकते हैं अब रेडियो लिखा हुआ है, और इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे इसको। ये जो है एंटीना का काम हो चुका है, वायरिंग लग चुकी है। अब ये है अलग से कपलर आता है इसके अंदर, ये कपलर जो है कैमरे का और बेस ट्यूब वगैरह आपको लगानी है तो वो इसके अंदर इंस्टॉल होएगी। और ये एक GPS सिस्टम दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, GPS सिस्टम ये LCD के साथ ही आता है। और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और ये सारा प्रोसेस जो है हो चुका है, ये देखिए ऐसे फिट कर देंगे इसको। अभी एक दो वायर और रहता है इसका, वो भी फिट कर देंगे। ये वायर कैमरे के लिए आता है स्पेशली, ये जो वायर है कैमरे के लिए होता है। ये लगा दिया हमने, और एक वायर और लगेगा इसमें जो कि USB के लिए है। ये देख सकते हैं आप, ये USB के लिए वायर है। इसमें आप अपना पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। ये इसको इंस्टॉल कर दिया है हमने, और फिट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको ऑन करते हैं, और ये हमने चाबी इग्निशन को ऑन कर दिया है, तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले आएगा। ये देख सकते हैं आप, चल चुका है ये, फुली फंक्शनिंग हो चुकी है इसकी। ये देख सकते हैं आप, इजीली वर्क कर रहा है। आप भी अपनी किसी भी गाड़ी में इस तरह से लगवा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।